सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में मोहम्मद कैफूर बंटी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता से मिल रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मोहम्मद कैफूर बंटी रघुनाथपुर विधानसभा के फिरोजपुर गांव पहुंचे हुए थे, जहां पे सैकड़ों समर्थकों के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि लगातार वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान लोगों का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है जनता में? ये लगातार जनसंपर्क 7 महीने से चल रहा है, मैं नया नहीं जनसंपर्क कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। और लोगों का जो प्यार, जो स्नेह, जो एक बदलाव की मांग थी, वो लगभग 3 तारीख को वो तय हो गया, तय हो चुका है। लोगों ने मन बदल लिया है। अपार जनसमूह से मोहम्मद कैफ, इस बार अल्लाह का करम है, भगवान की दया है कि इस बार इंशाल्लाह हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मैंने काम किया है और लोगों से काम की मजदूरी मांग रहा हूं। और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ नया होगा, वो हमसे लगा बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मोहम्मद कैफ भागने नहीं आया है, मोहम्मद कैफ लोगों को बहकाने नहीं आया है, मोहम्मद कैफ जात पात की बात करने नहीं आया है, मोहम्मद कैफ लोगों को ले जाकर 5 साल गैप नहीं होने वाला है। तो ये सब बातों को मालूम है, जनता उन्हें स्नेह और प्यार, जो जनता का जो एक मनोबल है मोहम्मद कैफ को देख के जो बड़ी है, एक नया लड़का आया है, राजनीति में नया पहल हुई है और ये पहल लगभग सुनिश्चित होगी 3 तारीख को। और मैं जितने भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भगवान की कृपा से इस बार हमारा चुनाव जीतना तय है। एक इंटरव्यू में देखा गया कि कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद कैफ अभी बिल्कुल बच्चा है, बहुत कम उम्र है, वो क्या कुछ कहेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पिछले कितने बार भी बोला था कि लोग हमारे पीछे पड़े और मैं रघुनाथपुर के पीछे पड़ा हूँ। तो जो बच्चा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, तो एक बात कन्फर्म हो गया, जो हमको बच्चा कहते हैं वो बूढ़ा हो गए। हमको बच्चा कहते हैं मतलब 70-80 साल के होंगे, तो 70-80 साल के सामने तो हम लोग तो बच्चा ही ना है, और ये बच्चा बहुत धमाल मचाने वाला है। और उन लोगों की बात पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी जनता, प्यारी जनता, मजबूर को मजबूत बदलना है, क्योंकि हमारा नारा था कि 2020 मजबूर नहीं मजबूत बनने की नारा है। तो ये बातें प्रोपेगेंडा चलता रहता है, इलेक्शन का टाइम है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता हैं और लगातार मोहम्मद कैफूर बंटी रघुनाथपुर विधानसभा 108 से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ जनता के बीच लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार रघुनाथपुर की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है, और जब से हम लोग इस क्षेत्र में कोरोना जैसे महामारी में हम लोग भी और बंटी भाई लगातार मेहनत किए, जिसका मुआवजा और जो मजदूरी था इस बार रघुनाथपुर की जनता इनको देने के लिए तैयार है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी और पप्पू यादव के जो महागठबंधन है, उससे इस क्षेत्र के एक युवा प्रत्याशी हम लोग के बीच मिले हैं, और रघुनाथपुर की जनता और भीम आर्मी की तरफ से पूरा बहुमूल्य तरीके से इनका हम लोग मदद करेंगे। गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? पीडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, पीडीए मोहम्मद कैफ एचडीपीआई से है, उसमें गठबंधन पीडीए का, उससे उसको आपको कैसे देखते हैं? जो पीडीए गठबंधन है वो बिल्कुल सटीक गठबंधन बना हुआ है, और इस गठबंधन में पप्पू यादव, बड़े भाई चंद्रशेखर रावण, तमाम पार्टियों सब मिला गठबंधन बना हुआ है। इस गठबंधन में हम लोग पूरे मजबूती के साथ जहाँ जहाँ प्रत्याशी हम लोग हैं वहाँ वहाँ मदद किया जाएगा। जी, आज मोहम्मद कैफूर बंटी आपके फिरोजपुर में आए हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मोहम्मद कैफूर बंटी पहली बार नहीं आया हमारे गाँव में। हमारे गाँव में नाला भी करीब करीब 10-12 साल से नाला भी गंदा पड़ा था, तो उन्होंने खुद आके वहाँ से लेबर ला के 20-25-30 रुपया उसमें लगा, यहाँ से लेके हाफ किलोमीटर दूरी तक का नाला पूरा उन्होंने साफ करवाया। उसके बावजूद फिर अपने लोगों को भेजकर गांव में सैनिटाइजिंग फॉगिंग तक करवाया है। और रही बात मोहम्मद कैफूर बंटी की, तो इंशाल्लाह रघुनाथपुर सीट फुल सपोर्ट है उनको, युवा, पूरा युवा उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारा फिरोजपुर इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने लोग उनके साथ घूमे हैं, ये सीट पक्का उनका रघुनाथपुर, मोहम्मद कैफूर बंटी आ रहे हैं
अब बल्ला छाप से छक्के छुड़ाएंगे दुश्मनों का। लोग बोलेंगे, जितना बोल रहे हैं बोल लें, इंशाल्लाह मोहम्मद कैफूर बंटी जीत रहे हैं और जीतेंगे। इस बार विधानसभा की लड़ाई आपको देखने में किससे है, मोहम्मद कैफूर बंटी की या किसी और में? बस इस बार विधानसभा की लड़ाई मनोज सिंह वर्सेस मोहम्मद कैफूर बंटी, बाकी कोई नहीं। जी, रघुनाथपुर विधानसभा 108 के उम्मीदवार मोहम्मद कैफूर बंटी जो कि बल्ला छाप मिला है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच, और आपके फिरोजपुर में यहाँ पर मौजूद हैं और आप युवा हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी बोला है लोग कि अभी मोहम्मद का बच्चा है, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि बच्चा जो कर सकते हैं वो बड़ा नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात, कैफ भाई हमारे बंटी भाई जो कि इस बार जीतते हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, हम लोग का सहयोग पूरा रहेगा। और जो भी बोले हैं कि बच्चा है वो नहीं कर पाएंगे, इस साल मोहम्मद कैफ बंटी भाई बहुत कुछ करेंगे, उन लोग के आँख में धूल।